नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हरियाणा का मुस्लिम बहुल इलाका नूंह एक बार फिर विवादों में है। हालांकि इस दौरान कोई यात्रा या जुलूस नहीं निकाला गया था, ना ही कोई नारेबाजी हो रही थी और ना ही मस्जिद के सामने कोई डीजे बज रहा था। यहां तक कि किसी के हाथ में कोई लाठी डंडा जैसा हथियार भी नहीं था, जिसे देखकर मुस्लिम समाज भड़क जाता और पत्थरबाजी करता। कुछ महिलाएं थीं जिनके हाथों में पूजा की थाली थी और वे कुआं पूजन करने जा रही थी, लेकिन कट्टरपंथियों से वह भी सहन नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि हरियाणा के नूंह में गुरुवार रात एक मस्जिद से कुछ बच्चों ने उन पर पथराव किया, जिससे 8 महिलाएं घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि महिलाएं हिंदू दलित समुदाय से थी और कुआं पूजन करने के लिए जा रही थी। नूंह के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया ने कहा कि पुलिस को कुआं पूजन के लिए जा रहे महिलाओं के एक समूह पर मस्जिद से बच्चों द्वारा पत्थर फेंकने के फुटेज भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक घटना रात 8:20 पर है। बिजरानिया ने मीडिया को बताया कि मस्जिद में कुछ निर्माण कार्य जारी था, महिलाएं कुआं पूजन के लिए जा रही थी, तभी उन पर पथराव किया गया। हम फुटेज में दिख रहे बच्चों से पूछताछ करेंगे। एसपी ने बताया कि दोनों पक्षों को शांत करा दिया है, क्योंकि घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। उन्होंने कहा कि अब इलाके में पूरी तरीके से शांति है। बिजरानिया के अनुसार मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस छानबीन कर रही है। बता दें कि इससे पहले सावन के महीने में नूह में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, जब सावन सोमवार के दिन श्रद्धालु प्राचीन शिव मंदिर में पूजन करने जा रहे थे, तभी दोस्तों ये हमला हुआ था। उस वक्त जमकर प्रदर्शन देखा गया था और एक बार फिर से नूह में दोस्तों ये वारदात सामने आई है, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है और पुलिस दोस्तों पूरे मामले की जाँच कर रही है।